नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड दोस्तों, अगर आपके पास Xiaomi का Redmi Note 8 डिवाइस है तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों Redmi Note 8 डिवाइस के लिए पर देख सकते एक लेटेस्ट OTA अपडेट Xiaomi की तरफ से रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों रिसेंटली पर देख सकते मार्च के स्टार्टिंग में ही आपको Redmi Note 8 डिवाइस के लिए पर देख सकते एक 11.0.3.0 का ग्लोबल स्टेट अपडेट इंडियन डिवाइस के लिए पर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद दोस्तों पर देख सकते फिर से एक लेटेस्ट OTA अपडेट जिसका वर्जन देख सकते हैं 11.0.4.0 का स्टेबल अपडेट Xiaomi की तरफ से रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका साइज यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 434 MB का साइज है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों Redmi Note 8 डिवाइस के लिए पर देख सकते काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों Xiaomi की तरफ से 11.0.4.0 का स्टेबल अपडेट Redmi Note 8 डिवाइस के लिए पर देख सकते रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों बहुत ही जल्दी Android 10 का अपडेट Redmi Note 8 डिवाइस के ऊपर रोलिंग आउट होना स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे Redmi Note 8 डिवाइस के लिए पर देख सकते मार्च के स्टार्टिंग में ही 11.0.3.0 का अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन दोस्तों उस अपडेट के बाद छोटे से आपको बग्स भी देखने को मिल चुके थे। तो उसके बाद दोस्तों Xiaomi की तरफ से बहुत ही जल्दी एक लेटेस्ट अपडेट जिसका वर्जन आप खुद देख सकते हैं 11.0.4.0 का, जो कि Android 9 मतलब कि Android पर बेस्ड अपडेट है। और दोस्तों इस अपडेट का साइज देख सकते हैं 434 MB का साइज है, मतलब दोस्तों इस अपडेट के जरूर आपके डिवाइस के अंदर कोई ना कोई लेटेस्ट चेंज लॉग फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जिसका आपको चेंज लॉग रिव्यू का फीचर्स का वीडियो बहुत ही जल्दी अपने चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना जल्दी रिव्यू वीडियो चाहिए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो दोस्तों इस लेटेस्ट अपडेट के बाद Redmi Note 8 डिवाइस में आपको लेटेस्ट मार्च महीने का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है। ऐप लॉक में देख सकते हैं सर एप्लीकेशन में जो ऐप लॉक का फीचर था यहाँ पर सपोर्टेबल हो चुका है। साथ ही दोस्तों जो एप्लीकेशन मतलब कि ऐप लॉक में जो ओपन एप्लीकेशन एंड क्लोजिंग एप्लीकेशन की जो एनिमेशन था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके बाद दोस्तों काफी सारे हिडन फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि सारे सारे हिडन फीचर्स में आपको फुल रिव्यू की वीडियो में कवर कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे Xiaomi की तरफ से जो लेटेस्ट बिल्ड नंबर है मतलब कि बीटा बिल्ड नंबर है 24.3.26 के बाद आपको जो लेटेस्ट बिल्ड नंबर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको Redmi Note 8 डिवाइस के लिए Android 10 का अपडेट बीटा टेस्टिंग के लिए पर रोलिंग आउट होना स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही जल्दी मतलब कि अप्रैल के महीने में आपको Redmi Note 8 डिवाइस के लिए पर Android 10 का अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर रेडी रहिए Android 10 अपडेट के लिए। वैसे दोस्तों Redmi Note 8 डिवाइस के लिए जो 11.0.4.0 का अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो गया है, उसका रिव्यू का वीडियो बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इसी अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ गया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।